फ्रांस ने एक ऐसा काम करके दिखा दिया है जो अमेरिका हरदम अपने वादों में ही करता नजर आया है, तो वहीं जापानी मीडिया ने भारत पर एक ऐसा हमला कर दिया है जिससे पता चलता है कि जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती बस नाम की है। दरअसल हुआ यह है कि जापानी मीडिया एकदम से भारत की विदेश नीति पर टूट पड़ी है और उसने कुछ ऐसा कह दिया है जिसने जापानी मीडिया की बेचैनी को सामने ला दिया है। दरअसल निकी एशिया, जो कि जापान की जानी मानी लीडिंग न्यूज़पेपर कंपनी है, उसने भारत की नीति गलत दिशा में जा रही है ऐसा कह दिया है और ये भी दावा किया है कि साउथ एशिया में भारत का कोई दोस्त नहीं है। वहीं आगे उसमें यह भी लिखा गया है कि जहां भारत एक प्रमुख एशियाई शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है। देखा जाए तो यहां जापानी मीडिया उस ऑफर से नाराज है जिसको भारत ने हाल ही में रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री ने एशियन नेटो में शामिल होने के लिए भारत को उसमें जुड़ने के लिए कहा था, लेकिन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर ने इसे सिरे से नकार दिया था और कहा था कि भारत को किसी एशियन नेटो की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि जापान के लिए एशियन नेटो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो चीन और नॉर्थ कोरिया से घिरा हुआ है और ये देश ऐसे हैं जो बार बार जापान की समस्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर जापान भारत को इसमें शामिल कर लेता तो जापान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाता, लेकिन भारत को तो आप जानते ही हैं, भारत बंधनों में बंधने वाला देश नहीं है कि तुम पे हमला हो तो हम आएंगे, अगर हम पे हमला हुआ तो आप मदद कर देना। और रही बात भारत की विदेश नीति की, तो आप मालदीव को देख सकते हैं जहां हाल ही में उनके राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए हैं। आप जानते होंगे इंडिया आउट का नारा उन्होंने ही दिया था, लेकिन आज उनको भारत की आवश्यकता है। साथ ही श्रीलंका ने हाल ही में भारत के लिए फ्री वीजा ट्रैवल सामने रख दिया था और नेपाल के साथ भारत को दिक्कतें तो हैं लेकिन नेपाल भी भारत के साथ बेहतर सहयोग करने में लगा है। साथ ही भूटान के साथ भारत के हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में फिलहाल अस्थिरता है लेकिन संबंध उससे भी खराब नहीं रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की इसमें गिनती करना बेकार है। तो ये सिर्फ जापानी मीडिया का कहना है, जापानी सरकार की तरफ से अभी इस पर कुछ नहीं कहा गया है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है, जापान या जापानी मीडिया जो भारत को लेकर कह रहा है वो सही है या गलत, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये फ्रांस से जुड़ी है, जो ऐसा लगता है कि जो अमेरिका के सारे खेल को पलटने की कोशिश कर रहा है। दरअसल आजकल फ्रांस और भारत के बीच में डिफेंस से जुड़े काफ़ी बड़े और मजबूत एग्रीमेंट होने में लगे हैं, जहां फ्रांस और भारत एवियोनिक्स क्षेत्र में एक नया कदम बढ़ा रहे हैं। दोनों देश मिलकर एयरोनॉटिक्स क्लस्टर और एक इंडो फ्रेंच कैंपस बना रहे हैं जहां पेशेवरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये पहल दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और बढ़ाएगी और भारत में एयरोनॉटिक्स में विशेषज्ञता विकसित करेगी। और ये साझेदारी केवल टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान तक सीमित नहीं रहने वाली है बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को नई और एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान मिले, जिससे रिसर्च में जो समय लगता है जिससे भारत को जो रिसर्च में समय लगता है उसको कम किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो सीधे सीधे भारत अपने कीमती समय को बचा सकेगा, जिससे भारत नए और एडवांस हथियार, जेट्स, मशीन कम समय में बना सकेगा, वो भी किसी बाहरी मदद के। और इसी के साथ ही फ्रांस रफेल विमान का एक नया और एडवांस वर्जन रफेल F5 विकसित कर रहा है और ये विमान मदरशिप कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा, जिसमें एक अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल यानी कि UCAV होगा और ये UCAV स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा, जिससे ये दुश्मनों के रडार को भी आसानी से बाईपास कर सकेगा। और वहीं फ्रांसीसी एयरफोर्स इसको 2033 तक अपने बेड़े में शामिल करने की योजना बना रही है, क्योंकि भारत भी फ्रांस के रफेल के साथ एक बड़ी डील को लेकर चल रहा है, तो आगे चलकर भारत को भी इसका फायदा मिलेगा। तो वहीं भारत और फ्रांस की इस नई रणनीतिक साझेदारी से देश को वैश्विक विमान और रक्षा में अग्रणी बनने में बड़ी मदद मिलने वाली है और भारत ने जो टारगेट निर्धारित किए हैं उसको हासिल करने में भी ये मदद करेगा, क्योंकि जिस तरह अमेरिका भारत को वादे पर वादे किए जा रहा है लेकिन फ्रांस उसको ज़मीनी स्तर पर उतार चुका है, जहां रूस भी अपने युद्ध में उलझकर बड़े सवाल खड़े कर चुका है, तो ये भारत के लिए टर्निंग पॉइंट है और सही वक्त है कि फ्रांस के साथ वो आगे बढ़े। इसमें आपको क्या लगता है, फ्रांस के साथ भारत का आगे बढ़ना भारत को सही मायनों में आत्मनिर्भर बना सकेगा?